हेलो स्टूडेंट्स, यह क्षितिज कक्षा 10 की जो देव कवि हैं उनका दूसरा कवित्व की व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का चित्रण किया है। जब पूर्णिमा रात होती है और उस समय चांदनी रात जो चांद तारों से भरी होती है उसकी सुंदरता ही अप्रतिम है, जिसका वर्णन कवि अपने शब्दों में वर्णन करने का प्रयास किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका वर्णन किया है। कहा है कि फटिक शिलानिसों सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीत न दिखे देव, दूध को सोफेन फैलियो आंगन परस बंद, तारासी तरुण तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजरी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तब कह रहा है कि चांदनी रात में फटिक शिलानिसो सुधार्यो सुधा मंदिर, स्फटिक की शिलाएँ, स्फटिक एक शिला होता है, पत्थर होता है जो अत्यंत सफ़ेद होता है, तो स्फटिक की शिलाओं से सुधार्यो सुधा मंदिर कोई सुंदर मंदिर निर्मित किया गया है। स्फटिक की शिलाओं से कोई सुंदर मंदिर बनाया गया है और वो मंदिर ऐसा है, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, और वो मंदिर ऐसा लग रहा है जैसे उदधि दधि, उदधि मतलब समुद्र, दधि मतलब दही, जैसे दही का समुद्र, सो अधिकाई अत्यधिक तेज से उमगे अमंद, अमंद मतलब बिना रुके हुए, अमंद मंद का अपोजिट क्या होता है, अमंद, अमंद मतलब तीव्रता से बिना रुके हुए तेजी से उमड़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो दही का समुद्र अत्यधिक तीव्रता से उमड़ रहा हो और बाहर ते भीतर लो भीत न दिखाई दे। और देव कवि कहते हैं कि चांदनी का सौंदर्य इतना स्वच्छ और निर्मल है कि सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाहर या अंदर किसी प्रकार की कोई दीवार या रुकावट नहीं दिखाई देती है। देव कवि कहते हैं बाहर ते भीतर लो भीत न दिखाई दे, चांदनी रात इतनी स्पष्ट है, इतना अस्पष्ट दिखाई दे है, इतनी साफ है जिसमें बाहर से भीतर भीतर में जो दीवार है दिखाई ही नहीं दे रही, सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और दूध को सुफीन फैलियो आंगन फरस बंद, और हर तरफ चांदनी इस प्रकार फैली है, हर प्रकार चांदनी इस प्रकार फैली है मानो फर्श पर दूध को सुफीन, दूध के पारदर्शी झाग, फेन मतलब झाग, दूध के पारदर्शी झाग फैलियो आंगन फरसमन, पूरे आंगन में फैले हुए हैं, जिस प्रकार से चांदनी इस प्रकार से दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से फर्श पर दूध के पारदर्शी झाग चारों तरफ फैले हुए हैं, तारा सी तरुणिता में ठाढ़ी झिलमिले हो। और इसी दौरान तारों से भरी रात इस प्रकार से, तारी सी तरुणी ठाड़े, तारों सी तरुणी ठाड़े मतलब तारों से भरी रात इस प्रकार झिलमिला रही है जैसे मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका के मकरन, ऐसा झिलमिला रही है मानो मोतिन मतलब मोतियों से ज्योति, मतलब मोतियों से ज्योत मतलब जड़ित,
वस्त्र पहने हुए, मोतियों से जड़ित वस्त्र पहने हुए मल्लिका, मोतियों से जड़ित वस्त्र पहने हुए कोई मल्लिका युवती झिलमिला रही हो, चमक रही हो, वह चांदनी रात में ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों से जड़ित इस वस्त्र पहने हुए कोई स्त्री झिलमिला रही हो, और मोतिन की ज्योत मल्लिका मकरन आरसी से अंबर आभासी उजारी लगे, और आरसी से अंबर में, आरसी से अंबर में मतलब आरसी मतलब दर्पण से, दर्पण के समान अंबर मतलब स्वच्छ आकाश, चांदनी रात से सरोवर एकदम उजाला साफ लग रहा है, और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और प्यारी राधिका, राधिका के प्रतिबिंब जैसा लग रहा है, वह चांदनी रात राधा के प्रतिरूप जैसा लग रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ से कि मोतिन की ज्योत मिल्यो मल्लिका को मकरन आरसी से अंबर में आभासी उजरी लगे, यानी दर्पण के समान स्वच्छ आकाश में चांदनी से सराबोर चांद अनुपम सौंदर्य से युक्त राधा के प्रतिरूप जैसा लगा। उस चांदनी रात में जो चंद्रमा जो चांद दिख रहा है राधा जैसा, राधा के प्रतिरूप जैसा दिख रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए कि फटिक शिलानिशों सुधारियो सुधा मंदिर उदर इदत को अधिकाई उमगे अमंद। चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि स्वच्छ सुधामयी चांदनी इस प्रकार फैली है जैसे स्फटिक की शिलाओं में, स्फटिक की शिलाओं से कोई सुंदर मंदिर बनाया गया है, और उदर इदर को सो अधिकाई उमगे अमंग, और उसमें दही का समुद्र अत्यंत तीव्रता से उमड़ रहा हो, अर्थात अमंद मतलब उसका वेग किसी प्रकार से कम नहीं हो रहा है, और बाहर ते भीतर लोभीत न दिखाई दे। कभी कह रहे हैं बाहर से भीतर तक सब कुछ अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई भी दीवार रुकावट नहीं बन रही है, हर तरफ चांदनी का प्रकाश सौंदर्य फैला हुआ है, और दूध को सुफेन फैलो आंगन फरस बन, और दूध के झाग के समान, दूध के झाग के समान पूरा फर्श फैला हुआ है। वो चांदनी रात में दूध के झाग के पारदर्शी झाग के समान पूरा फर्श दिखाई दे रहा है, और तारा सी तरुणता में ठाड़ी झिलमिल होत, और तारों से भरी रात इस प्रकार झिलमिला रही है जिस प्रकार से मोतिन की ज्योत मिल्यो मल्लिका को मकरन, जिस प्रकार से सितारों से जड़ित वस्त्र पहने कोई स्त्री झिलमिला रही होती है, और मोतिन की ज्योत मिल्यो आरसी से अंबर में आभा सी उजरी लगे, यानी करा दर्पण के समान स्वच्छ आकाश में, दर्पण के समान स्वच्छ आकाश में चांदनी से सराबोर चांद इस प्रकार दिखाई दे रहा है जैसे वो राधा का प्रतिरूप हो। राधा की सुंदरता का इसमें वर्णन करते हुए कह रहा है कि राधा की तुलना, वो चांदनी रात की सुंदरता का तुलना राधा की सुंदरता से किया है। तो इस प्रकार ये कविता आपका समाप्त होता है। इसमें आप निश्चित तौर पर समझे होंगे, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।